हेलो वेलकम बैक। आज का मेरा क्लास जो होगा और कैप्स्टर को हमने जहाँ लास्ट क्लास में छोड़ा था वहाँ से हम कैप्स्टर को स्टार्ट करेंगे। कैप्स्टर के अंदर आज मैं देखूँगा यहाँ पे कि कैप्स्टर का जो एसी रिस्पांस क्या होता है और डीसी रिस्पांस क्या होता है, यानी कैप्स्टर के अंदर अगर एसी दूँ तो क्या होगा, डीसी दूँ तो क्या होगा। दूसरा, कैप्स्टर के कुछ फॉर्मूले देखेंगे। नेक्स्ट, कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर कुछ कंपेरिजन करेंगे। और नेक्स्ट, कैपेसिटर का कुछ कॉम्बिनेशन चेक करेंगे, जैसे कि रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल देखा, इंडक्टर का सीरीज पैरेलल देखा, तो हम कैपेसिटर के भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं, जो कि आपके हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आज मैं चर्चा करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले कैपेसिटर, जिसको आपने देख रखा है ऑलरेडी। आज मैं यहाँ बोलता हूँ कि ये कैपेसिटर के सी को से हमने डिनोट किया। इसमें जाने वाला करंट सपोज दैट आई है, और इसके दोनों प्लेट्स के बीच जो वोल्टेज है उसको हमने माना वी सी। वोल्टेज कितना है? वी सी है। वोल्टेज हमने वी कैपेसिटर के डिनोट कर दिया सी से, है ना। अगर इसमें आपसे कोई पूछे कि बताइए इसके अंदर जाने वाला करंट क्या होगा, तो कभी भी वी सी बटा कैपेसिटर नहीं करेंगे, वी सी बटा कैपेसिटर नहीं करेंगे, क्योंकि करंट का विरोध कैपेसिटर डायरेक्ट नहीं करते हैं। इनका कुछ अलग इंटरनल प्रॉपर्टी होता है जो हमेशा उसका विरोध करता है, यानी रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस। ये देखिए, कैपेसिटर रिएक्टेंस आप कह सकते हो। यहाँ पे समझिएगा, कैपेसिटर के अंदर भी एक वैल्यू होता है जिसको बोलते हैं एक्स सी। ये डिपेंड करता है, इसका फॉर्मूला हमेशा 1/ωC पर। किस पे डिपेंड करता है? 1/ωC पर। ये जो एक्स सी है, ये एक्स सी, यही हमेशा करंट का विरोध करता है। डायरेक्ट कोई कैपेसिटर करंट का विरोध कभी नहीं करता है, ठीक है ना। अगर नहीं करता तो इसका मतलब कभी भी कैपेसिटर से डिवीजन नहीं देना है। जब भी करंट आपको निकालना होगा, कभी भी अगर आपको कभी भी करंट निकालना होगा, तो करंट के लिए आप क्या करेंगे, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाइड है उसी का डिफरेंस देखेंगे। और करंट को विरोध करता है ये एक्स सी, जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। ये देखिए रिएक्टेंस, है ना। यहाँ पे ये इससे भागा होगा हमेशा, वोल्टेज को भागा किससे होगा, रिएक्टेंस से। जिस तरीके से इंडक्टर के अंदर भागा वोल्टेज में किससे हुआ था, एक्स एल से, है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस से, तो यहाँ पे किससे होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। इसको एक्स सी को मैं बोलता हूँ कैपेसिटिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्लियर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यही हमेशा करंट का विरोध करता है। और जो कि जिसका फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू 1/ωC, समझिएगा। यानी ये ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी, जिसका वैल्यू होता है 2πf, क्लियर, 2πf, है ना। या इसी ओमेगा को बोलते हैं वो 2π/T, क्योंकि एफ का फॉर्मूला किसके इनवर्स होता है, टाइम पीरियड का। एफ का फॉर्मूला किसके इनवर्स होता है, ये सब आप लोग फंडामेंटल क्लास पढ़ते हैं, जब बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह में, बीटेक के अंदर या डिप्लोमा के अंदर, वहीं पे आप लोग ये सब के बारे में डिस्कस कर लेते हो, क्लियर ना। तो एक चीज़ तो तय हो गया कि इसको ये नहीं लिखा जाएगा कभी भी, इसका रिएक्टेंस ही इसके करंट का हमेशा विरोध उत्पन्न करता है, ठीक है ना, विरोध करता है करंट का। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और आपसे कोई बोले इसका यूनिट क्या होता है, एक्स सी का, कैपेसिटेंस का यूनिट भी क्या होता है, हमेशा ओम के अंदर। इसका भी यूनिट हमेशा किस में होता है जी, ओम के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान में हो, देखना। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम के अंदर, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट हमेशा ओम में, और कैपेसिटिव यूनिट का भी हमेशा ओम में। बाकी बहुत चीज़ें हैं जिसकी चर्चा करेंगे, ये सब आएगा। ट्राइंगल फॉर्म करता है एक्सएल और ये, और फिर आर और जेड, हम आगे चर्चा करेंगे। तो आई होप आपने जान लिया कि कैप्सूल के अंदर ये सब चीज़ें होती है। अब चलिए हम इसका एसी और डीसी रिस्पांस कर लेंगे। आई होप इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, पहले ग्राफ में, फिगर में, अपने पेज पर नोट डाउन कर लीजिए, तब हम देखेंगे इसका एसी और डीसी रिस्पांस, देखते हैं एक बार कैप्सूल का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं, यहाँ पर समझते जाइए। यानी कैपेसिटर के करंट का विरोध हमेशा कौन करता है, उसका रिएक्टेंस, ना कि कैपेसिटर डायरेक्टली करता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई आरसी सर्किट है, है ना। रिस्पांस बताता हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा ओपन सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इसके बारे में आप समझ जाएंगे। सपोज दैट कोई आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट कहे क्या कि एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर भी इंक्लूड होगा।
अगर इस सर्किट में मैं वोल्टेज डीसी अप्लाई करूं, ये कैसा वोल्टेज है? डीसी। कैसा वोल्टेज है? ये सिंबल देखिए डीसी का है। अब यहाँ पे कोई कहेगा बताइए इसमें करंट कितना जाएगा, इस सर्किट में बताइए करंट कितना जाएगा। तो पहले आपको परिपथ का टोटल रिएक्टेंस देखना होता है, अपोज करंट को विरोध कितना करता है। तो आप देखोगे दो सर्किट है, ये आर तो डायरेक्ट करता है लेकिन सी का इसका रिएक्टेंस करता है, तो हम इसकी क्या निकालेंगे, एक्स सी। इसका क्या होता है, एक्स सी कितना विरोध करता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/ω इंटू सी। फिर आगे बढ़िया फॉर्मूला 2πf इंटू सी, है ना, 2πf इंटू सी। चलिए कोई कैपेसिटर का वैल्यू सपोज दैट 1 μF भी दे दे, क्या फ़र्क पड़ता है, इसका कोई भी वैल्यू रखूँगा। लेकिन चूंकि यहाँ डीसी होने के नाते एक सप्लाई अगर डीसी है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जीरो। डीसी की सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जीरो। तो अगर जीरो है तो इस डीसी में कैसा इंप्लीमेंट होता है समझिएगा, 1/ सब जीरो हो जाएगा क्योंकि अप्लाई कैसा है डीसी। तो एक्स सी की अगर बात की जाए, 1/0 को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। कितना हो गया, इनफाइनाइट। इसका मतलब अगर इस परिपथ में एक प्रतिरोध ऐसा है जिसका वैल्यू है इनफाइनाइट ओम और दूसरा है आर ओम, चाहिए कितना भी हो, 2, 4, 10 कितना भी हो, तो क्या हो गया टोटल यहाँ पे, अगर टोटल यहाँ पे मैं प्रतिरोध की बात करूँ तो ये कितना हो गया, आर प्लस इनफाइनाइट, है ना। तो वैल्यू क्या हो गया, इनफाइनाइट ओम। अब इन्फाइनाइट से करंट कभी गुजर सकता है क्या, कभी नहीं गुजर सकता। तो ऐसे कंडीशन में जब आपसे कोई कहता है करंट निकालिए, जब आपसे कोई कहता है करंट निकालिए, तो वी वट्टा क्या हो जाएगा, ये इन्फाइनाइट। क्या इन्फाइनाइट प्लस आर भी जोड़ दीजिए अगर जोड़ने का मन है आपको, क्योंकि हमने पूरा यहाँ कर दिया कि इन्फाइनाइट यानी समंदर में 2 बाल्टी पानी, यही तो हो गया, एक समंदर है उसमें 2 बाल्टी पानी, तो बात तो समंदर के बराबर ही हो गया है ना। तो यही चीज है, तो हमने इसको लिया इन्फाइनाइट हो। तो अगर करोगे तो ये करंट क्या दिखाएगा, 0 एम्पियर। करंट क्या दिखाएगा, 0 एम्पियर। क्लियर है चीज़ें। जब ये 0 एम्पियर दिखा रहा है इसका मतलब क्या है समझिएगा, जब ये 0 एम्पियर दिखा रहा है करंट, तो इसका मतलब ये है कि इससे करंट कोई जाएगा ही नहीं, करंट इससे जाएगा ही नहीं। तो याद रहे कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसी सर्किट में डीसी अप्लाई किया गया है तो कैपेसिटर उस टाइम कैसा बिहेव करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। कैसा बिहेव करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये कैसा बिहेव किया, ओपन सर्किट। कैसा बिहेव किया जी, ओपन सर्किट। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है जब किसी कैपेसिटर को डीसी अप्लाई किया जाए तो वो कैसा बिहेव करता है, एज ए ओपन सर्किट, यानी कोई करंट फ्लो नहीं होने देगा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जब आप ट्रांजिएंट पढ़ते हो तो आपको एक एक चीज़ का पता चलेगा, ये कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर कर लेता है, वो भी बहुत कम, शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर। आपको पता नहीं लगता, आपको लगता है ओपन सर्किट हो गया, लेकिन कोई पूछ दे क्या ये कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रखा है, जी हाँ बिल्कुल कर रखा है, और हाफ सी वी स्क्वायर के फॉर्म में कर रखा है ये, है ना। हाफ सी वी स्क्वायर कहे तो इसके क्रॉस वोल्टेज करंट नहीं जा रहा, वोल्टेज तो है ना, और हाफ सी वी स्क्वायर। अगर आपको पता नहीं है ना, तो यहाँ पे एक कर्व बनता है जो ट्रांजिएंट में हम लोग पढ़ते हैं, ये वोल्टेज यहाँ जाके कांस्टेंट हुआ, इतना एनर्जी बहुत कम टाइम में ये इतने एनर्जी को स्टोर कर लेता है, जिसको हम बारे में बताएंगे आपको, एसी रिस्पांस क्या होता है, डीसी रिस्पांस क्या होता है, ठीक है ना। ये एनर्जी स्टोर कर चुका है लेकिन ओपन कर दिया है। पहले शुरुआत में सोचिए इसके क्रॉस, जब ये सप्लाई स्विच यहाँ लगा दूँ, ओपन कर दूँ शुरुआत में, तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जीरो, लेकिन जैसे इसको क्लोज करूँ तो वोल्टेज क्या हो गया, एकाएक बहुत राइज किया। तो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का क्या करता है ये कैपेसिटर, विरोध करता है। सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का क्या करता है, विरोध करता है। विरोध करने के बावजूद चूंकि फ्रिक्वेंसी जीरो है तो इन्फाइनाइट ओपन कर दिया, करंट जीरो जा रहा है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी तर्क मैं दूंगा, समझाऊंगा आप लोगों को, पर यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक चीज तय है, एग्जाम में पूछा जाता है अगर किसी कैपेसिटर के अक्रॉस डीसी सप्लाई दी जाए तो वो हमेशा कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। आइए अगर एसी की बात करें, है ना, अगर एसी की बात करें तो वी एसी है, ठीक है, ये आर है, ये सी है, ऑब्वियसली इसका रिएक्टेंस ही करेंट का अपोज करेगा, इसका एक्सी होगा 1/ω इंटू सी, है ना, 1/ω इंटू सी। क्लियर है। अब ओमेगा का मान कोई कहेगा तो 2π रख दीजिए, फ्रीक्वेंसी इंडियन स्टैंडर्ड के लिए 50 ohm हर्ज है ना, 50 हर्ज, इंटू सी का मान जो भी दिया हुआ है ये 1/ कर देंगे तो ये एक्स सी का मान निकल जाएगा, ठीक है ना, अगर निकालना हो तो। अब यहाँ कोई पूछेगा बताइए करंट कितना होगा, तो हम कहेंगे वोल्टेज एसी बटा इसका टोटल, टोटल कितना है, आर प्लस अब कैपेसिटर डायरेक्ट जुड़ेगा नहीं तो जे इंटू एक्स सी होता है।
आर प्लस जे इंटू एक्स सी, क्योंकि सबका वैल्यू यहाँ पे आप निकाल सकते हो। अब कोई कहेगा ये आर प्लस जे एक्स सी क्या होता है, बेसिक में आपने पढ़ा है जेड जो होता है जब रेजिस्टेंस के साथ चाहे इंडक्टर या कैपेसिटर तो दोनों का इम्पीडेंस होता है यानी जेड, तब उसको दोनों का सम बोलते हैं जो कि आर प्लस जे एक्स होता है, आर प्लस जे एक्स, चाहे उसके अंदर जे एक्स एल हो, इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो, बात अलग होती है, पर ये कॉम्बिनेशन होता है। तो हमने दोनों को लिख दिया। जे जहाँ पे एंगल को डिनोट करता है, एसी सर्किट है आपका, एसी सर्किट है उसमें हम देखेंगे कैसे काम करता है। तो एक चीज़ होता है कि यहाँ पर कैपेसिटर रोल प्ले कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है, फ्रीक्वेंसी है तो 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब रिएक्टेंस होगा, तो यहाँ पे करंट जाएगा, यहाँ पे करंट क्या होगा जाएगा, लेकिन डीसी के अंदर करंट का ब्लॉकेज हो जाता है, डीसी के अंदर करंट का ब्लॉकेज होता है। इसी ब्लॉक होने के कारण फिल्टर में आप आसानी से बोल देते हैं बेंड पास, बेंड रिजेक्ट, है ना, ऑल पास, ये सब चीज़ आप आसानी से बोलते हैं, उसके रीजन यही होते हैं कौन किसको ब्लॉक किया, कौन किसको ओपन किया। तो आई होप आपने एक चीज़ तो तय कर लिया, देख लिया कि एसी अप्लाई करूँ तो और डीसी अप्लाई करूँ तो क्या होता है। डीसी में करंट को जाने नहीं देता है कैपेसिटर कभी भी, और एसी में अलाउ कर देता है, एसी में करंट आसानी से जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें एक आपके लिए हो गई कि एसी रिस्पॉन्स में क्या होता है, डीसी में क्या होता है। हालांकि एसी एनालिसिस जब पढ़ोगे आप, एसी एनालिसिस एक टॉपिक है आपका, है ना, एसी एनालिसिस में एक एक चीज़ क्लियर होगा कि यहाँ कितना लीड होता है, कितना लैग होता है, किस टाइप के लोड में ये कैसे करता है। तो आरएल आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट, रिजोनेंस सब पढ़ोगे आप वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपने देख लिया। चलिए हम इसके बारे में कुछ चीज़ों को और देखते हैं जो आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए इसमें देखता हूँ मैं कुछ टर्म को यहाँ पे अबाउट इसके कनेक्शंस, है ना, इसके कनेक्शंस के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर कि ये कनेक्शंस कैसे करते हैं, यानी कैपेसिटर को अगर सीरीज में जोड़ा जाए तो क्या होगा, कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाए तो क्या होगा, कनेक्शंस ऑफ कैपेसिटर्स। अब मैं यहाँ देखना चाहूँगा, यहाँ पे टर्म होगा हमारा कनेक्शंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का कनेक्शंस कैसे होगा। तो कैपेसिटर के कनेक्शंस देखने हैं तो चलिए मैं देखता हूँ। जब इसके कनेक्शंस को आप देखेंगे तो यहाँ टोटल कैपेसिटर अगर कोई आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये सीरीज में है तो सीरीज में जस्ट उल्टा होता है, ध्यान रहे हमेशा। तो 1/C बराबर करेंगे आप 1/C प्लस 1/C, यानी वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे सी कॉमन आएगा तो 1+1, क्लियर। तो सी टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे C/2, क्लियर। टोटल कैपेसिटर का मान क्या हो जाएगा, आधा, क्यों हुआ ये उलट दिया मैं वैल्यू, है ना, तो 2/C है तो C/2। इसका मतलब जब दो कैपेसिटर आपस में सीरीज में जुड़ा हो तो वो रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन का उल्टा होता है या इंडक्टर के कम्बिनेशन का उल्टा होता है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। कैसे, क्योंकि समझिएगा यहाँ पे इसका जो होता है एक्स सी वो होता है 1/2πfc, तो जो रिएक्टेंस होता है वो किसका अपोजिट है, एक्स सी का अपोजिट है। तो इसीलिए कैपेसिटर क्या होता है, देखिए कैपेसिटर क्या होता है, वैल्यू जस्ट उल्टा होता है, क्या होता है, जस्ट उल्टा, और लेकिन इसका पैरेलल हमेशा रेजिस्टेंस के सीरीज के जैसा होता है, इसका पैरेलल रेजिस्टेंस के सीरीज के जैसा होता है, यानी यहाँ पर कोई कहेगा टोटल तो वो रेजिस्टेंस का सीरीज जैसा जोड़ दीजिए, मतलब तो C+C कितना हो गया 2C, C+C कितना हो गया 2C, ये रीजन होते हैं इसके। चलिए और देख लीजिए कुछ चीज़ें, आपको पता चल जाएगा। मान लो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होते हैं तब आप कैसे करोगे, डिफरेंट वैल्यू में कैपेसिटर का अलग अलग वैल्यू होगा तो कैसे करोगे। यहाँ मान लीजिए C1 यहाँ C2 होगा, टोटल कैपेसिटर निकालना है तो 1/C, यहाँ जस्ट सीरीज में रेजिस्टेंस के उल्टा होता है यानी इंडक्टर का जस्ट उल्टा होता है, 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। C1 × C2 आप लोगे तो C2 + C1 होगा, हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया C1 + C2 / C1 × C2 1/CT, ये हो जाएगा। तो अगर आप कोई टोटल कैपेसिटर निकालना चाहे तो कैसा हो गया C1 × C2 / C1 + C2। आप एक चीज़ तो तय मानो क्या निकला आपको, देखिएगा एक चीज़ तो तय हो गया, देखिए क्या निकला कि दो कैपेसिटर का अगर डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर हो तो उसको अगर सीरीज में जोड़ेंगे वो रेजिस्टेंस के जस्ट पैरेलल जैसा होता है यानी इंडक्टर के जैसा होता है ना,
रेजिस्टेंस और इंडक्टर समानुपाती जैसा चलता है, क्योंकि इंडक्टर क्या होता है XL बराबर 2πfL, तो जैसे इंडक्टर चलेगा वैसे उसका रिएक्टेंस चलेगा, तो इसलिए वो रेजिस्टेंस जैसे जुड़ता है, लेकिन इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, XC इक्वल टू 1 ωC, ठीक है ना। ऐसे ही अगर यहाँ के वैल्यू को बोला जाए, यहाँ C1 और C2 हो जाए, तो सीधे यहाँ C1 और C2 क्या हो जाए, जुड़ जाएंगे, क्या होगा, बस जुड़ जाएगा सीधे वैल्यू, पैरेलल में ऐसा होता है, ठीक है। सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन भी देखना है तो देख लीजिए, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अगर देखना है आपको आगे, ये देखिए, यहाँ पर अगर कहता हो कि आपने निकालना है वैल्यू कैपेसिटर का, कैपेसिटर का यहाँ पे देखिए, एक है सी, यहाँ भी सी, और इसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू सी है ना। तो पूछ रहा है ये सी है ना, अब आपसे पूछ रहा है टोटल कैपेसिटर निकालिए, तो एक सीरीज में है एक पैरेलल में है, यहाँ से बोल रहा है टोटल सी टोटल बताइए क्या होगा, तो ये दोनों आपस में सीरीज में और ये इसके पैरेलल में, तो सीरीज में कैसे होता है जी, इसके लिए जब सीरीज में निकाला जाए तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में सी बाई टू आधा हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में दो रेजिस्टेंस जुड़ता है तो 2C होता है, ये उसका उल्टा होता है, 2C का बदला क्या हो जाएगा पैरेलल चलेगा, नहीं आधा हो जाएगा सी बाई टू, और नीचे वाला क्या है, ये है नीचे वाला, ये है सी, तो टोटल सी टोटल कितना हो जाएगा पैरेलल में आपस में जुड़ जाएंगे सी प्लस सी बाय टू, इसका मतलब 3C/2। कैपेसिटर का वैल्यू भी दे सकता है 1 μF, 2 μF, 4 μF, 10 μF, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम भी होना चाहिए। अब कभी कैपेसिटर का वोल्टेज कैसे होता है इसमें भी देख लीजिए, अगर आपसे कहे कि कैपेसिटर का वोल्टेज इन टर्म ऑफ कैपेसिटेंस है ना, ये कैपेसिटर के वैल्यू में ही बताइए, तो इसका जब भी वोल्टेज निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे आप वोल्टेज का, तो उसके लिए वैल्यू होता है क्या, यहाँ देखिए 1C इंटीग्रेशन IC into dt, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान हो, उसके बाद ये इंटीग्रेशन आप अगर मान ले इस टाइम से लेके जिस टाइम से आपने स्टार्ट किया टी टाइम तक, जीरो से लेके टी टाइम तक, ठीक है ना। अब इसी में करंट बोले, कैपेसिटर के अंदर जो है करंट बताइए इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस में कैसे निकालने हैं, तो IC बराबर अगर निकालना है, IC बराबर इसी को करिए, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये C उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा C into, यहाँ क्या होगा, अब जो इंटीग्रेशन है ना उसको डिफ्रेंशिएशन करिए, dVC/dt C into dVC है ना, क्या हो जाएगा देखिए, IC बराबर क्या हो गया, ये जो इंटीग्रेशन था वो डिफरेंशिएशन में तब्दील हो जाता है, ठीक है ना, तो VC हो जाता, तो C कैपेसिटर कांस्टेंट है, वैल्यू C क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, तो बच गया क्या इंटीग्रेशन ऑफ V dt है ना। चूंकि ये तुलना अगर करना है इंडक्टर से, समझिए ये भी ध्यान रखना है, एक बड़ा एग्जाम में JEE वगैरह के एग्जाम में बड़ा फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ये सब, तो बड़ा फ्रिक्वेंट पूछता है, बोलेगा इससे जाने वाला करंट I है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V है, तो बताइए इसका वोल्टेज कितना होगा, तो होता है LdIdt। देखिए LdIdt तब की कंपेरिजन से आपको याद भी रहे, है ना। अब समझिए इसमें तुलना कीजिए, तो यहाँ का वोल्टेज अगर VL इंडक्टर का निकला तो यहाँ VC का निकला, देखिए 1/C जहाँ होता है वहाँ पे इंडक्टर जस्ट उल्टा कैपेसिटर का होता है, तो क्या होगा यहाँ L है तो वहाँ 1/C है, यहाँ डिफ्रेंशिएशन है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है, और IdIdt तो यहाँ इंटीग्रेशन ICdt, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ इसके करंट की बात करेगा, अगर इंडक्टर के करंट की बात अगर करता है तब पूछेगा कितना होगा, तो आप कहेंगे इंडक्टर का करंट निकालना है, ठीक है इंडक्टर करंट निकालना है, तो यहाँ से दिख लीजिए ये अपने आप कर दीजिए, यहाँ पे क्या होगा L, ठीक है अब डिफ्रेंशिएशन है तो इंटीग्रेशन में बदलेगा, उल्टेगा तो इंटीग्रेशन बदलेगा, इंटीग्रेशन VL into dt इंटीग्रेशन में बदल गया। अब कहाँ से कहाँ तक, 0 to t टाइम तक, कितने देर तक ये करंट पास हो रहा है ना, टाइम तक हम देख लेते हैं।
अब समझिए यही चीज़ हो गया। बस यहाँ का वोल्टेज के लिए बड़ा फ्रिक्वेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी आपके से हर जगह, आप बीटेक में भी देखते हो, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्या है, वोल्टेज वी इजकल टू एल डी आई बाई डी टी, हमेशा फॉर्मूला यूज होता है, बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है वी इजकल टू एल डी आई बाई डी टी। तो करंट कैसे निकलेगा, अपने आप निकाल लीजिए, वी इंटू एल, ये वन बाय एल होगा ना, सॉरी यहाँ तो वन बाय एल हो जाएगा, क्योंकि ये जब निकालेंगे हम करंट तो ये क्या हो जाएगा, वी वन बटा एल, क्या हो जाएगा, वन बटा एल हो जाएगा, वन बटा एल इंटीग्रेशन वी सी इंटू वी एल इंटू डी टी। क्लियर, यहाँ पे उल्टा होगा क्योंकि यहाँ पे सी है तो सी का उल्टा वन बाय एल, ध्यान रहे, और यहाँ वन बाय सी है तो उसका उल्टा एल रहेगा, है ना, ये ध्यान रहे। अब आई तो था, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है तो यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये चीज़ें होगी, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रहे। तुलना करोगे तो आपको तुरंत याद रहेगा, ये फॉर्मूला कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम आपको रहेगा। और आगे भी इसका मेन रिस्पॉन्स ध्यान रखें, इंडक्टर और कैप्चर को मेन तो हम देखेंगे एसी एनालिसिस में कैसे काम करता है, आर एल एक्स जेड हर चीज़ का रिलेशन होगा वहाँ पे, तो बहुत अच्छे से हम उसको समझेंगे, चूँकि ये पहला यूनिट फंडामेंटल है, आपको बस जानना है कैप्चर क्या होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम जानकारी, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सब चीज़ें, तो इसके बारे में आपने इतनी जानकारी ले ली, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे क्लास को फिर हम इससे बेहतर तरीके से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, गुड लक, हैव अ नाइस डे।